मिसकनसेप्शन को हम लोग यहां पर क्लियर करने वाले हैं। दो तीन अलग अलग इंपॉर्टेंट पोस्ट को देख करके जानकर सुनकर के एंड समझ करके वट दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सबसे पहली पोस्ट ये आती है वासिफ भाई के द्वारा ये पोस्ट जो है वो शेयर कर डोंट नो हिज वन मोस्ट इनक्रेडिबल जर्नलिस्ट जो कि हमारे यू नो गेमिंग सेक्टर के अंदर आते हैं वन द मोस्ट ब्रिलियंट जर्नलिस्ट दैट इन

एंट्री बाय नंबर फॉर्म वॉज रिसीव फ्रॉम एशियन गेम्सरी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ एशियन गेम्स सो ये जो पूरा ए बी और एंड बी एंड सी टू ई जो है इसका पूरा एक ही मतलब इसका ये मतलब बनता है जिस तरीके से देखने को मिलता है इंडियन ई स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन बट रिसेंटली यू नो बहुत सारी ये कॉन्वर्जेशन निकल रही हैं इंडियन गवर्नमेंट टू से टास्क फोर्स टू सपोर्ट द ग्रोथ पीएम मोदी स्पीक्स पॉजिटिवली ऑन इंडियन गेमिंग सो एक बार सुनते हैं जस्ट टॉक अबाउट इट कि क्या बात करी सो so है ए बीजीसी इस सेक्टर की भी तेजी से विकास हो रहा है भारत मोबाइल गेमिंग को लेकर दुनिया के टॉप फाइव मार्केट में से एक है दैट्स ट्रू आकलन है कि आने वाले दो सालों में यह सेक्टर तीन लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा अब मुझे बताइए ये गेमिंग हम बच्चों को रोक नहीं पाएंगे परिवार में बच्चा मोबाइल फोन पर गेम खेल रहा है नहीं रोक पाएंगे लेकिन क्या हमारे बच्चे विदेशों से खर्च करके आई हुई गेम से खेलेंगे कि हिंदुस्तान में कुछ करेगा और इसलिए हमारे देश की प्रतिभा को मौका मिले इनोवेट करने का अवसर मिले इस सेक्टर में क्रिएट इन इंडिया और ब्रांड इंडिया को सशक्त करने का भरपूर पोटेंशियल है भारत को ग्लोबल गेम डेवलपर्स और गेमिंग सर्विस का हब बनाने के लिए इस बजट में एक टास्क फोर्स के गठन की बात की गई है साथियों so, आज देश में is, एनिमेशन you know, दिस इज वेयर बी कैंड हैव टू थ्री पॉइंट्स जिसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं पहली चीज जब uh, हमें बताया लास्ट टाइम uh, कुछ गेम्स को ही ये बोल करके बैन कर दिया गया था कि ज़्यादा वायलेंट है आई गेट इट ठीक है वो उस पुरानी बातें हो गई भूल जाना चाहिए बट uh, उसके बाद अपनी गेम लेकर के आए थे हम लोग इंडिया की विच वॉज फौजी अगेन नो हिट टू एनी थिंग बट फौजी जिस तरीके से बनाई गई थी जिस नो ऑडियंस बेस को टारगेट करना चाहती थी वो एग्जैक्टली exactly उस ऑडियंस बेस को टारगेट कर नहीं पाए आई गेट इट वॉज ए गुड गेम एक स्टोरी लाइन थी एंड स्टोरी लाइन के अंदर उसको खत्म किया गया था बीस मिनट का पूरा एक गेम बन जाता था उसके बाद धीरे धीरे और भी फीचर्स इनकोर गेम्स उसके अंदर ऐड करते रहे बट देन एवरी कि वो जो भी चीज यू नो यूथ के लिए सोचते हैं कभी कभी उसमें एक छोटा सा जनरेशन गैप आता है एंड वो जनरेशन गैप कभी कभी बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देता है कि वो कैसे चीज को प्रेजेंट करना चाहते हैं वर्सेस क्या चीज उनका यूथ चाहता है तो ये गेमिंग सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस बन करके बैठा जैसे विजुअल इफेक्ट्स की बात करी गेमिंग की बात करी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करी डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर बट देर स्टिल स्टिल नीड्स टू बी वन अंडरस्टैंडिंग दैट इज जो एक जनरेशन का पूरा बन करके बैठता राइट वट द यूथ वॉन्ट्स वर्स इज दर्थ द यूथ इज गेटिंग समटाइम्स समटाइम्स उसके बीच में एक बहुत बड़ा फासला बन जाता है एंड अगर उस फासले को अगर उस फासले को हमारी गवर्नमेंट समझ लेती है इट्स वेरी गुड बिकॉज गेमिंग सेक्टर जैसे कि कि अभी ये बात करें नो हम लोग क्या विदेशों से तो सिर्फ विदेशों से आती गेम ही खेलेंगे या तो फिर अपना कुछ करेंगे भी आई गेट इट बट अपना कुछ करने के लिए इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारा यूथ गेमिंग को किस तरीके से देखता है ई स्पोर्ट्स को किस तरीके से देखता है कॉम्पिटिटिव को किस तरीके से देखता है बिकॉज एट दी एंड जब हम बोलना चाहेंगे इंडिया नंबर वन बने गेमिंग सेक्टर के अंदर तो हमें वर्ल्ड ग्लोबल लेवल से ही कंपीट करना है इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है रिसेंट पीएमसी राइट जब हम बोलते हैं कि हमें अपनी टीम को नंबर वन दिखाना है तो हमें डेफिनेटली एट दी एंड ग्लोबल सेक्टर से कंपीट करना है तो ग्लोबल सेक्टर के अराउंड हम अपनी गेम्स को किस तरीके से यू नो आगे लेकर के जा सकते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू जस्ट अंडरस्टैंड कि वो जो टास्क फोर्स बने

to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand yeah Promotion. so this is where you know ye, ye sari lines yeh, pan, avgc is uh, the, uh, the the uh, the sole problem gaming sector akela nahi bol sakte ye ek sector ke aata, which is avgc animation visual effects gaming and comic इन चार चीजों के अंदर आता है बिकॉज हमने ये चीज़ जानी है कि जब यूथ को अंडरस्टैंड करना होता है ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बट देन अगेन इस चीज को आगे लेकर जाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यूथ को टारगेट कर रहे हैं तो एक यूथ पर्सपेक्टिव आपके पास होना चाहिए यूथ पर्सपेक्टिव जो आप अपने पास रखते हैं अपना माइंडसेट यूथ के हिसाब से बनाते हैं इट्स जस्ट अबाउट यू नो हमें पता है हमें यूथ को पकड़ना है बट यूथ आपको क्या चाहिए आपको किस तरीके से गेमिंग सेक्टर चाहिए किस तरीके से विजुअलाइज करते हैं आजकल की चीजों को दैट इज वेयर यूल अंडरस्टैंड कि ये जो ब्रिज जो हमारे और यू नो गवर्नमेंट की कुछ कुछ चीजों के बीच में बनता है या फिर जो एक जनरेशन गैप पूरा बनता है ऑन दी अंडरस्टैंडिंग वो तभी कम हो सकता है वन सेकेंड आपके क्या विचार रहेंगे इसके ऊपर कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना बट देन दिस वॉज अ टॉपिक जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि इंडियन ई स्पोर्ट्स को इस बार का बजट बजट एक्जैक्टली स्पोर्ट्स को हेल्प नहीं करता है वो गेमिंग सेक्टर के ऊपर ही बात करता है और वो स्पेसिफिकली बात करता है एवीजीसी के ऊपर गेमिंग सेक्टर के ऊपर सो so, उसके अराउंड एंड वन सेकेंड हमें ये पता है कि ये एक साल के अंदर पूरी चीज होने नहीं वाली है एवरीथिंग विद एवरीथिंग दैट हैज़ यू नो गवर्मेंट इन्वॉल्व डेफिनेटली थोड़ा बहुत टाइम लेती ज़रूर है एंड वो टाइम इसी के लिए होता है ताकि सारी के सारी बैठकें करी जा सकें uh, हर एक चीज़ का अंडरस्टैंडिंग किया जा सके एंड उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव गुड बैड अगली क्रेजी सब चीज़ों को जोड़ घटाव कर करके जो अच्छी चीज़ होती है उसको समझ लाया जाए उन चीज़ों में थोड़ा समय लगता जरूर है ऐसा नहीं है कि आज बोला गया एंड कल से शुरू हो जाएगा मे बी एक महीना ले मे बी यू नो चार महीने मे बी आठ महीने मे बी एक साल ले बट इट इज देयर इसकी कॉन्वर्जेशन दैट मीन्स गवर्नमेंट इज लुकिंग एट दैट डायरेक्शन जो हमें एज गेमर्स, टू द एनिमेशन आर्टिस्ट टू द विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री एंड एंड एट दू कॉमिक इंडस्ट्री हर किसी को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं दैट शोज की एक कदम ये इस चीज़ को के लिए डाला गया है जहां पर आप यूथ को अपने आप को उस सेक्टर में देखते हो जहां पर आप एक्चुअली एक uh, वट डू कॉल इट एक अच्छा एसेट बनाते खुद को सो वेल दीज वर ऑल थॉट्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स आप लोग बताना आपके क्या विचार इन सब चीजों के साथ रहेंगे जो भी विचार रहते हैं कमेंट जरूर करना एंड uh, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे इंडोस्ट्री ऑसम एंड अपिसोड गाइज है टेक केयर बाय बाय